सो हे गाइस, आपका स्वागत है GD5 के एक और न्यू वीडियो में। एंड हमारे साथ है लाइटनिंग मैकक्वीन और सिंचन। अरे फ्रैंकलिन भैया, आप मेरे को लास्ट पे क्यों बोली? मेरे को तो सबसे पहले होना चाहिए ना। अरे सिंचन, यहाँ पे हम लोग लड़ाई नहीं कर रहे, आज जल्दी आज हम लोग बैठ करके आज कहीं जाने वाले है। अरे दोस्तों, हम लोग कहाँ जाने वाले है मुझे तो नहीं पता, बट हाँ एक बात बताऊँ, ये गाड़ी के ऊपर चढ़ने के लिए मुझे बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। देखो मतलब की कहाँ कहाँ से कुदक के चढ़ना पड़ता है, बहुत मेहनत लगता है। और ये गाड़ी भी बहुत ही शानदार है, आपको कैसी लगती है नीचे कमेंट करके बताइए। अरे सिंचन, हम लोग ना आज बहुत खास जगह जाने वाले, मतलब कि हम लोग जाने वाले रेलवे स्टेशन। अरे आज इसमें क्या खास बात है, मेरे पापा ना रोजाना जाते हैं, वहीं से ड्यूटी जाते हैं, वहीं से आते हैं। ओ ऐसी बात है क्या सिंचन, मुझे तो पता ही नहीं था, मतलब तुम लोग रेलवे स्टेशन में बहुत बार जाते होगे। अरे हाँ मेरे को सब पता है, रेलवे स्टेशन में ना एक मेरा फ्रेंड रहता है। अरे हाँ तुम्हारा फ्रेंड भी रहता है, कौन है वो? अरे आपको नहीं पता, थॉमस ट्रेन, वो एक ट्रेन है, वो बोल भी सकता है, उसका मूवी बना हुआ है। अरे भाई साहब, ये तो बहुत ही गजब वाली चीज़ है यार, हम लोग भी जाना चाहते हैं भाई, मेरा व्यूवर्स लोग भी देखना चाहता है कि यार वो कैसा ट्रेन है और वो बात भी करता है क्या। अरे हाँ जैसे कि ये कार बात करता है, वैसे वो भी बात करता है। अरे लैटरिंग बात करके दिखाओ। अरे मेरा नाम लैटरिंग नहीं, लाइटनिंग मैकक्वीन है, कच्चाओ। ओ लैटरिंग हो या फिर लाइटनिंग हो, बात तो एक ही होता है ना। अरे सिंचन तुम बस कर दो यार, जब से ये कार आया है ना गाइस, यार इसका नाम बिगाड़ बिगाड़ के इसको परेशान कर गया, ये कार भी रोने लगता है कि भाई मैं क्यों आ गया यहाँ पे, क्यों आ गया। बट नहीं गाइस, ये कार हम लोग यार बचा लिए, देख रहे हो ना कितनी खतरनाक बन गई है ये कार, यार एकदम डिस्ट्रॉय हो गई थी, बट हम लोग ने वापस से इसको ठीक कर दिया। अगर इसका वीडियो नहीं देखा है तो जाओ जाके चेकआउट करो, लास्ट वाली वीडियो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। ओके गाइस, हाँ गाइस ये कार ना बहुत अच्छी है, हम लोग मरने वाले थे बट इसने हम लोग को बचा लिया, वो खुद ही जम्मर करके, बट फिर हम लोग ने इसको नया नया चक्का वरदान दे दिया, देखो कितना बड़ा है। अरे सिंचन आए, ये चक्का तो बहुत ही बड़ा है। अरे यार मैं ठोक क्यों रहा हूँ गाड़ी? अरे इसमें कौन सी नई बात है, आप हमेशा तो ठोकते रहते हो। अरे सिंचन चुप हो जा यार, चुप हो जा, तुम जितना बोलते हो ना मैं उसको जैसे और नहीं चला पाता, और इतनी बड़ी चक्की है ना इसके, मैं क्या बताऊँ, ये चलता भी नहीं है जल्दी से। गाइस आप ही बताओ यार, देखो फिर ठोका गया। अरे 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 भाई साहब, इतनी बड़ी चक्की है ना इसके, भाई डर ही लगता है चलाने में, देख रो भाई कितनी खतरनाक लगती है, भाई सच बता रहा हूँ बहुत ही खतरनाक लगती है वाली कार। अरे लैटरिंग एक बात बताओ, लैटरिंग बोल रहा हूँ मैं, अरे लैटरिंग मैकक्वीन एक बात बताओ, ये 95 का क्या मतलब है? अरे 95 का मतलब ये है, जब मेरा कार का रेस होता है, मैं 95 नंबर से मेरा रजिस्टर है, इसीलिए मैं 95 में यहाँ पे लिखा हुआ है। ओ ऐसा बात है क्या, मुझे तो पता ही नहीं था, 95 में कुछ और समझ रहा था। अरे अरे अरे, कौन हम लोग को मार रहा है, कौन मार रहा है यार पीछे से? अरे गाइस यार देखो, गुंडा लोग आ गए कार छीनने के लिए। ओ माय गॉड यार, ये कार नीचे क्यों गिर गया? अरे फ्रैंकलिन भैया, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है, आपने उससे पैसे उधार लिए होंगे, वो पैसे मांगने के लिए आपको मारने के लिए आया होगा। अरे सिंचन चुप कर यार, मतलब तुमको क्या लगता है कि हम दुनिया के जितने भी आदमी सबसे पैसे मांग के रखेंगे, पागल हो गए लो क्या? और हाँ सिंचन, आ तो गए हैं वो वाला जगह पे, पर तुम्हारा कोई फ्रेंड नहीं दिख रहा, तुम बताए थे ना कि तुम्हारा कोई दोस्त है जो यहाँ पे रहता है। भाई साहब मैं रेलवे स्टेशन में तो चल रहा हूँ, बट मुझे अभी भी कोई नहीं दिख रहा यार। भाई साहब जैसे कि आप लोग देख ही पा रहे, भाई मैं रेलवे स्टेशन के ऊपर ट्रैक में चल रहा हूँ, बट मुझे ना कोई ट्रेन दिख रही है, ना कोई थॉमस दिख रहा है, क्योंकि एक थॉमस, मैंने भी सुना है कि एक थॉमस कार्टून है जिसमें यार वो ट्रेन होता है ना गाइस, और सिंचन वो ट्रेन है ना पक्का, वो ब्लू कलर का ट्रेन होता है। अरे हाँ आपको कैसे पता, आप भी क्या उससे फ्रेंड है क्या? अरे नहीं गाइस यार, सिंचन मैं उससे देखा करता था टीवी में, जब टीवी में आता था ना मेरा फेवरेट कार्टून हुआ करता था, बट यार वो कहाँ है यार, तुम बता रहे थे ट्रेन है, मुझे तो कोई ट्रेन भी नहीं मिल रही है, ना वो मिल रहा है, भाई कहाँ चला गया वो बंदा? भाई ट्रेन तो दिख जा, कोई भी ट्रेन नहीं है। अरे फ्रैंकलिन भैया, वो अपना काम कर रहा होगा, सब आपकी तरह कामचोर थोड़ी नहीं। अरे सिंचन इसका क्या मतलब, मेरा काम, मैं कामचोर हूँ? वो ट्रेन होकर काम करता, मैं काम नहीं करता, देखो मैं कितना काम करता हूँ, देखो गाड़ी चलाना काम से कम है क्या? और ये गाइस हम लोग इतने आगे गए, बट वो ट्रेन नहीं मिल रहा यार, मैं भी परेशान हो गया, ट्रेन कहाँ चला गया, पता नहीं यार कहाँ ट्रेन चला गया। ओ माय गॉड यार, यहाँ पर ट्रेन देखती है, यहाँ पे तो पक्का होगा, तो वापस हम लोग को पीछे जाना पड़ेगा ट्रेन को ढूंढने के लिए। भाई सब यहाँ तक तो मिल जाता था, ट्रेन कहाँ चला गया? फ्रैंकलिन भैया आपका चेहरा देख के भाग गया होगा। अरे सिंचन ऐसा नहीं होता, कोई भी ट्रेन चेहरा देख के नहीं भागता। ओ गाइस यार यहाँ पे तो यार बॉगी छूटा हुआ, मतलब कि हो सकता है यहीं पे हो, पता नहीं यार देखना पड़ेगा। ओ भाई साहब यहाँ पे तो ट्रेन सब है, बट यहाँ पर ट्रेन कहाँ है, ट्रेन का तो पटरी खत्म। सो गाइस यार फाइनली यार हम लोग को ट्रेन मिल चुका है, भाई साहब कौन कहानी दौड़े ट्रेन के लिए, भाई ट्रेन मिल ही नहीं रहा था। ओ भाई ये कहाँ ट्रेन जा रहा है? अरे थॉमस रुक जाओ। अरे सिंचन रोकने बोल, तेरे ट्रेन कहाँ भाग गया? नहीं फ्रैंकलिन भैया, मैंने बोला ना ये काम कर रहा है, ये काम के वक्त किसी का नहीं सुनता, ये बातें भी करता है बट काम के वक्त नहीं।
और इस इंसान, ये तो दिक्कत वाली बात है कि कहाँ जा रहा है, इसको रोकना पड़ेगा गाइस, रुको यार, अंदर जाना पड़ेगा, ट्रेन में बैठना पड़ेगा और इसको रोकना पड़ेगा। तो भाई रुक 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 भाई, ये तो मुसीबत हो जाएगी, गाड़ी रुकेगा ही नहीं फिर। ये एक काम करता हूँ ना, जो ड्राइवर है ना इसको भगा देता हूँ, ये ट्रेन को कंट्रोल करता है ना, इसको रुको रुको भगवाता हूँ मैं, रुको। अरे रुक जा यार, रुक जा, मेरे को भी आना है, रुक जा। अरे गाइस ये रुक ही नहीं रहा, ये क्या है बताओ मैं, कैसा मुसीबत है ये भाई। यार देखो यार, पूरा एकदम डिटो सेम है भाई, एकदम ट्रेन एकदम मस्त है, और ये रुकता भी नहीं ना ट्रेन, मतलब कि अगर मैं सामने अगर रख दूँ ना तो ये रुकेगा भी नहीं। अरे रुकोगे क्या यार तुम लोग, अरे थॉमस रुक तो जाओ, मुस्कुरा क्यों रहे हो, रुक जाओ। अरे भाई साहब ये मेरे को ठोक देगा। अरे फ्रेंकली भैया, रुकने की वजह से आप गाड़ी कैसे चला रहे, अच्छे से चलाइए ना। अरे सिंचन अच्छे से चला रहा, रुक जा, पहले ये गाड़ी को रोक दूँ ना, एक काम करता हूँ ना, आगे जाकर रुकता हूँ और फिर इसको रोकता हूँ। रुको रुको, अरे अरे ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, अरे 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 वो गई जरूर गाड़ी में बैठ गया, गाड़ी में। अरे सिंचन आ जा जल्दी। अरे फ्रेंकली भैया आ जा। अरे यार सिंचन पीछे रह के काम करता हूँ, गाड़ी को रोकता हूँ। रुको ओ यार, गाड़ी रुको, गाड़ी रुको, गाड़ी रुको, गाड़ी रुको। यार गाड़ी को तो रोक दे, सिंचन को आने देते, सिंचन भागे भागे पीछे से आ रहा। रुक जा रुक जा, ए रुक जा, रुक जा यार गाड़ी, रुक जा गाड़ी, रुक जा। और थॉमस तुम बोलते भी सुने हैं? हाँ मैं बोलता भी हूँ, आपका स्वागत है मेरे ट्रेन में। ओ गाइस यार ये तो बोल भी रहा है, मतलब कि क्या ही खतरनाक सीन है। और सिंचन को देखो, ये ठुमक ठुमक के कौन आ रहा है। ओ भाई साहब गेम का ग्लिच देख लो, इतना ठुमक ठुमक के आ रहा है, और ये कहाँ चला गया फिर से। अरे सिंचन कहाँ जा रहे हो। अरे फ्रेंकली भैया दरवाजा कहाँ है। अरे इधर आ जाओ ना यार सिंचन, कहाँ जा रहे हो। अरे गाइस यार एकदम ठुमक ठुमक के आ रहा, पता नहीं क्या है। इसको इसको रोकते हैं, गाड़ी को रोकते हैं, एकदम गाड़ी को रोक दिया। चलो यार सिंचन जल्दी बैठ जा अंदर। अरे गाइस यार सिंचन तो अंदर बैठ चुका है, अब यार चलिए यार ये ट्रेन को चलाती है, ट्रेन को चलाने में कितना मजा आएगा। सिंचन देखो यार कितनी खतरनाक ट्रेन है। अरे हाँ फ्रेंकली भैया, लाइफ में पहली बार हम लोग ट्रेन चलाने वाले हैं। अरे हाँ सिंचन यार, हम लोग इसको ट्रेन चलाएंगे, वो भी एरो गैरो नहीं गाइस यार, हम लोग थॉमस वाला ट्रेन चलाने वाले। आपको पता कि नंबर वन ट्रेन होती है। अगर आपने यार इसका कार्टून देखा है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताओ, हम लोग ने यार बहुत देखा। अरे सिंचन तुम बाहर क्यों जा रहे हो बार बार। अरे फ्रेंकली भैया मेरे को बाहर में हाथ निकालना पैर निकालना बहुत पसंद है। अरे सिंचन ऐसा नहीं करना चाहिए ट्रेन में, देखो फिर तुम वो कर रहे हो। देखो गाइस यार कभी ऐसा नहीं करना चाहिए, सिंचन को भी मैं मारूंगा, ये सब काम कभी नहीं करना चाहिए। ट्रेन जब चल रहा है उसके बाहर कभी नहीं खड़ा होना चाहिए, दरवाजे के बाहर। गाइस यार भूकंप क्यों आ रहा है ऐसा लग रहा है। भाई सब देख रहे हो कितनी 93-94 किलोमीटर की तेज में चल रही है। सिंचन कैसा लग रहा है। डिफरेंटली भैया बड़ी मजा आ रहा है, और स्पीड चलाइए, और स्पीड चलाइए, 100 पार करिए। ओके गाइस यार हम लोग 100 पार करने वाले, बट यार देख लो भाई टर्निंग और टर्निंग के टाइम अगर स्पीड रखूंगा तो ये गाड़ी की एक्सीडेंट हो जाएगी, और ये थॉमस बेचारा ये भी मर जाएगा। अरे इसको नहीं मरना है, ये तो मेरा दोस्त है। थॉमस कैसे हो। अरे मैं तो बहुत अच्छा हूँ, तुम लोग भी अच्छे होगे, तो चलो हम लोग राइड करते हैं और आगे तक जाएंगे और मजा करेंगे। और तुम्हारे साथ लाइटनिंग मैकक्वीन भी था ना, वो कहाँ रह गया। अरे गाइस यार वो यार वो क्या बोलते हैं रस्टी। अरे गाइस यार ये क्या हो गया हमारे साथ। अरे भाई साहब ये तो एक्सीडेंट हो गया। अरे थॉमस का एक्सीडेंट हो गया भाई। ओ भाई साहब। अरे मैं तो एक्सीडेंट हो गया, अरे किसी को बुलाओ। अरे गाइस यार इसका तो एक्सीडेंट हो गया, अब क्या करें हम लोग। अरे सिंचन इसका तो एक्सीडेंट हो गया। अरे फ्रेंकली भैया ये आपकी वजह से ये हुआ है, ये देने बोली। अरे गाइस यार इसका एक्सीडेंट हो गया, अब क्या करूं मैं। रुको यार इसका एक्सीडेंट ठीक करना पड़ेगा हम लोग को। So guys, मैंने अपने 2.5 किलो वाले हाथों से ये ट्रेन को सीधा कर दिया। हाँ ना सिंचन, हाँ तुम अपने सीधा क्यों। गाइस यार मैंने सारा काम किया और ये क्रेडिट ये लेके जा रहा है, ये बकलो छोटा लड़का। अरे फिर इतनी भी तारीफ नहीं करिए, पीछे क्यों इतने बमबारी हो रही है। ओ गाइस यार पीछे और भी ट्रेन आ गई और एक्सीडेंट हो गई, मतलब क्या ही बताऊं मैं, पीछे तो एक्सीडेंट हो रही है बट हाँ फाइनली हम लोग ने इसको बचा लिया। अरे हाँ गाइस यार ये देख रहे हो ये दोनों गाड़ी अब यहाँ पे खड़ी है। आप यार नीचे कमेंट करके बताना कि यार कैसी लग रही है। ये देख रहे हो थॉमस ये वाली ट्रेन और ये वाली लाइटनिंग मैकक्वीन, दोनों कार्टून है और वो सब दोनों GTA में आ चुकी है। गाइस यार एकदम कमाल की लग रही है, तो नीचे कमेंट करके बताना कि आप लोग कैसी लग रही है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अरे फ्रेंकली भैया मेरे को तो बोलने दीजिए। दोस्तों आप लोग बताना कि आप ये वाला कार्टून अच्छे से देखते हो या फिर ये वाला। अरे मुझे तो दिख ही नहीं रहा वो। हाँ ये वाला, दोनों नीचे कमेंट करके बताना, मैं तो दोनों देखता हूँ और प्लस मैं सिंचन भी देखता हूँ, तो आप भी देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चलो गाइस हम लोग एक बार और थॉमस के साथ राइड में आते हैं, आप भी आइए साथ में राइड करेंगे।